बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं ऑलरेडी जो है जौनपुर और प्रतापगढ़ जिले के बॉर्डर पे हूँ, मतलब एक तरफ जौनपुर एक तरफ प्रतापगढ़। ऑलरेडी हमारी फिल्म यहाँ पे प्रतापगढ़ में शूटिंग चल रही है। दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी हैं और मंजू ठाकुर की फिल्म है गोवर्धन की शूटिंग चल रही है। और आज सौभाग्यपूर्ण ये है कि फिर से लव एग्रीमेंट का मुहूर्त किया हमारे डायरेक्टर अनिल यादव जी। इससे पहले अनिल यादव जी जो कि बदलापुर बनाए हुए थे, हमारी उनकी अच्छी ट्यूनिंग है और अच्छा लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में, मतलब जिस तरह से हम देख रहे थे कि हमारा क्षेत्र कला के माने में बहुत पीछे था, बहुत मतलब इस पे ध्यान नहीं दे रहा था, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जी। तो अब तक तो एग्रीमेंट हमने सुना था, अलग अलग एग्रीमेंट, लेकिन लव का एग्रीमेंट पहली बार। हाँ, ये मुझे भी थोड़ा सा मतलब डायरेक्टर साहब के बारे में ये बात करना पड़ेगा कि मतलब लव तो ठीक है, अब लव एग्रीमेंट कैसे होगा। मतलब love.com चलता था, लव विवाह होता था, मतलब अब लव एग्रीमेंट क्या है, तो कुछ तो नया है। चूँकि अनिल यादव जी जो हैं थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं, जिसे बदलापुर उन्होंने बनाया था, बहुत अच्छा स्टोरी थी, कुछ अलग बनाया था। अभी इससे पहले हम लोग कौन सी फिल्म के मुहूर्त किए थे, कुछ क्या ना इत्तफाक अच्छी फिल्म थी, अभी उसके गाने उन्हें हुए हैं, वो भी उनकी शूटिंग अभी कुछ बाकी है। तो करता तो बंदा काम अच्छा है, कोशिश है कि हर समय कुछ अच्छा लाना चाहता है। और जो मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र है, इसमें शूटिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ है और आप सब सहयोग से अब निरंतर चलता रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? निरंतर तो चलता रहेगा। अभी मैं ऑलरेडी जो है अपने घर के बगल में, प्रतापगढ़ जिले से मेरा घर थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है, मैं हूँ जौनपुर जिला का लेकिन नज़दीक पड़ता है, तो हम बीरापुर में भी गोवर्धन की शूटिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है हम 4 फिल्म लेके आए हैं, 15 जनवरी से हमारी लगातार जो है 4 फिल्मों की शूटिंग है और हम खुद चाह रहे हैं कि हमारे घर के बगल में शूटिंग हो, हमारे यहाँ के लोग जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो अब ये मुगरा हमारे घर के बगल में शूटिंग हो रही है, तो हम बहुत मतलब उत्साहित हैं। अच्छा लग रहा है मुझे हमारे घर में, हमारे क्षेत्र में सिनेमा बन रहा है, हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं, लोकल आर्टिस्ट हैं, उनको काम मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। लोग मुंबई जाते थे, परेशान होते थे, स्ट्रगल करते थे, वहाँ काम नहीं मिलता था, क्योंकि कुछ परिवार से लोग ऐसे एक्टर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मुंबई उनका स्ट्रगल पीरियड नहीं हो पाता था, पैसे की वजह से या कुछ भी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे जो काम नहीं कर पाते थे। आज उनके लिए सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा मतलब समय है कि घर पे रह के वो अच्छे से काम करेंगे और उनको टाइम मिल रहा है, अपने घर पे भी रह रहे हैं और स्ट्रगल भी कर ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे क्षेत्र के हमारे लोग जितने हैं कलाकार, जो लोकल कलाकार हैं जो भी हैं, उनको मौका मिलेगा, आगे बढ़ेंगे जी। ये फिल्म के डायरेक्टर जो हैं उनके बारे में क्या कहना है? इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल यादव जी के बारे में बहुत सारा शुभकामना देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने बदलापुर एक अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाई, अभी रिलीज नहीं हुई, कोई कारणवश रुकी हुई है, तो ऐसे लव एग्रीमेंट तो जिस तरह से नाम है लव एग्रीमेंट, उसी तरह से एक खूबसूरत फिल्म भी होगी, मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा, और अच्छी फिल्म बनाएंगे अनिल जी, ये भी उम्मीद है। तो मैं यही कहूँगा कि उनके लिए मेरी तरफ से, हीरोइन तो सस्पेंस है भाई, अभी आपने जो बात पूछा, हीरोइन सस्पेंस है, पोस्टर में मुझे दिख रही लेकिन यहाँ नहीं दिख रही हैं। अब अनिल यादव को इसी भी हीरोइन सस्पेंस में होती है और इत्तफाक मतलब में अच्छा प्रिया सिंह जी हैं, अभी आपको मुलाकात होगी, इत्तफाक की हीरोइन, जो इत्तफाक की हीरोइन है वो प्रिया जी हैं, और कोई और एक हीरोइन थी, इनका नाम हम नहीं जानते हैं, अभी शायद नया इंट्रोड्यूसिंग हो रही है, तो भी आ रही हैं। और मुगराबाद साहब क्षेत्र से, मुगरा क्षेत्र से एक नया टैलेंट, एक नया हीरो लॉन्च होने जा रहा है, रवि यादव। हाँ, रवि यादव, रवि यादव पहले भी ऑलरेडी उन्होंने कुछ मतलब एल्बम वगैरह या कुछ काम कर रहे थे। रवि यादव जी यहीं पे हम अभी आपको इंट्रोड्यूस भी करा देंगे
अपने पास नहीं बुलाएंगे उनको। तो रवि यादव जी के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और बहुत अच्छा लड़का है, काम मतलब काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा था और आज अच्छा लग रहा है देख के उसको, और पोस्टर उसका देखा तो एक लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक चॉकलेटी हीरो जो होते हैं, कहीं ना कहीं एक लाइन है ना कोशिश करने वाले की, कभी हार नहीं होती, डूबी हुई नौका कभी पार नहीं होती, तो अच्छा है कोशिश कर रहा है, बहुत आगे जाएंगे जी। आपके आने वाली फिल्मों की बात करें, मेरी आने वाली फिल्में, रामचंद्र जी मैं पहले भी बताया था कि मेरी आने वाली फिल्में जो है लॉकडाउन के बाद से कम 30 सिनेमा है, और मैं सबका नाम गिनाऊंगा तो बहुत लंबा नाम हो जाएगा, शायद उसमें कुछ भूल भी जाऊंगा। मेरी लेटेस्ट फिल्में जो हैं इस समय जो एकदम फ्लोर पे हैं आने वाली, जैसे डोली हो गई, सॉरी यार हो गया, और अभी ये इज्जत घर हो गया, बहुत सारी फिल्में, मैं नाम लेना चाहूंगा तो भूल जाऊंगा, इस समय 30 से 40 सिनेमा मेरा रिलीज पे तैयार है।